बिग बॉस 15 के दूसरे वीकेंड के बारे में सलमान खान किस किस की लगा सकते हैं क्लास। बिग बॉस 15 का पहला वीकेंड का वार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जहां सलमान खान ने प्रतीक सेजपाल की काफ़ी ज़्यादा क्लास लगाई, जिसके बाद प्रतीक रोते हुए दिखाई दिए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनको बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना चाहिए था, और जिसकी वजह से दूसरे हफ्ते में प्रतीक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेशक उन्होंने लड़ाई झगड़े किए, लेकिन उनको गलती अपनी पता थी कि मैंने ये गलती की, जो कि मुझे दोहराना नहीं है। तो सलमान खान इस बार तो नहीं लगाएंगे प्रतीक सेजपाल की क्लास, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी क्लास लगना जरूरी है, क्योंकि वो हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहला जो कंटेस्टेंट है, अगर सलमान खान ने उनको कुछ कहा तो बहुत बड़ी बात है, वैसे वो है जय भानुशाली। जय भानुशाली ने एक बार फिर से वही गाली दी है उनकी माँ को, प्रतीक सेजपाल की माँ को, जिसपे प्रतीक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, हाइपर हो गए थे और अपने आप को तमाचे मार लिए थे कि इस बंदे ने दोबारा गाली दी। तो सलमान खान को मुझे लगता है कि ये मुद्दा जरूर से जरूर उठाना चाहिए कि देखो, बिग बॉस कंटेस्टेंट खेलने आए, कोई किसी के माँ बाप नहीं खेलने आए, और आप किसी को गाली नहीं दे सकते। यहाँ पर जय देखिए मान ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे हो, कहते देते रहेंगे, तो जय की क्लास लगना चाहिए। दूसरी है अफसाना खान भी एकदम गुस्से के मूड में आ चुकी हैं, और जो कल हमें देखने को मिला, उन्होंने आकाशा को लात भी मारी और कपड़े भी फाड़ते हुए हमने देखा। तो यहाँ पर बिग बॉस में अफसाना की भी क्लास लगनी चाहिए, जो कि जिस तरीके का उनका रवैया है, बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट ने अफसाना खान से पूरी तरह से वो चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इस तरीके की बातें करती हैं, उनकी बातें बिल्कुल सही नहीं है। आज के एपिसोड में हमें अफसाना और शमिता की भी काफ़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। तीसरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है कि इसको एक शाबाशी भी दे दी जाए इसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तो जो विशाल का प्लान है उसको दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए क्लास भी लगा सकते हैं, या फिर उनको अच्छा भी बता सकते हैं कि भैया तूने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके अपोजिट जाए कि तूने इस तरीके से मतलब किया, शमिता को पटा लिया और अच्छे से अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लिया, और जो तेरे और दोस्त थे जैसे कि करण वगैरह, उनको एकदम वहाँ से हटा दिया और तू गेम जीत गया, तो इस तरीके से तू स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर विशाल को थोड़ा बहुत एक्सपोज भी किया जा सके, वो तो आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दो कंटेस्टेंट हैं जिनकी काफ़ी क्लास लगाएगी। उमर रियाज की क्लास तो हो सकता है ना लगाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि आपको जो चोट लग गई है आप उसका ख्याल रखें। और मुझे लगता है सिम्बा की भी क्लास लगानी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि वो बार बार उमर रियाज को कह रहे हैं तू फट्टू है, तू यहाँ पर अपने भाई के दम पर आया है, तेरा भाई कहाँ पहुँच गया, तू कहाँ पर है, तू अपने भाई से जलता है। तो ये सारी बातें जो कि उमर रियाज को सिम्बा बोल रहे हैं, इन सब ये कहीं ना कहीं मुद्दे देखिए उठेंगे, अगर उठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि एक बार जय भानुशाली को कहा जाए कि आप किसी की माँ को गाली ना दें। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।